नमस्कार दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सरल तरीके से जानना चाहते हैं और साथ साथ इस शेयर को के लगातार गिरावट का कारण और शेयर न्यूनतम कहाँ तक गिरने की उम्मीद है जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस शेयर की उच्चतम टारगेट क्या रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिसंबर में आए कुछ फंडामेंटल के बारे में। दिसंबर माह में इसका मार्केट कैप 1,54,928 करोड़ का था। साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू भी 75,654 करोड़ से गिरकर 72,229 करोड़ रहा। बात करें इसके टोटल प्रॉफिट की तो दिसंबर माह में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट -1,516 करोड़ रहा। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी भी -22.74% रहा, जो कि बहुत बुरी खबर है। साथ ही इस कंपनी पर कर्ज भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका डेब्ट ऑफ इक्विटी 3.33 हो गया है। बात करें इसमें लगातार गिरावट की वजह की तो सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि टाटा मोटर्स गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है। इसी वजह से दिसंबर तिमाही रिजल्ट में 10 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। साथ साथ सभी ब्रोकरेज हाउस ने भी इस शेयर की रेटिंग को डाउन कर। बात करें शेयर के गिरने की तो अगर इस शेयर में लोअर सर्किट लगता है तो ये शेयर आपको अभी और नीचे की ओर गिरता दिख सकता है, लेकिन अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हो तो आने वाले एक साल में ये शेयर आपको 550 रुपये के आंकड़े को पार करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।